चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, हम लोगों को दो वेव दे दिया गया और इन दोनों वेव में हमको फेज डिफरेंस निकालना है। जब कभी भी हम फेज डिफरेंस निकालते हैं प्यारे बच्चों, या तो साइन में रहेगा या तो कॉस में रहेगा। यहाँ पर देखो, एक इक्वेशन साइन में दिया है, एक इक्वेशन कॉस में दिया है। तो अब मैं इस कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लूँगा या साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, वेयर टी इसमें से कौन सा रेडियन में फेज डिफरेंस। तो पहले वाला ये जो इक्वेशन है उसको मैं वाई टू को मैं लिख सकता हूँ 10^-6 कॉस में है, तो साइन साइन 100 t प्लस एक्स बाई 50 प्लस पाई बाई 2। तो मैं अगर ऐसे लिख दी, इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दूं इसमें, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन में कुछ ऐड करोगे थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सेकंड में चले जाओगे और सेकंड में जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये तो कॉस थीटा है, तो पाई बाई 2 ऐड कर दूंगा ये। अब फेज डिफरेंस आप आराम से निकाल लोगे, ये पूरा फेज फाई 1 फाई 2 मान लेता हूँ और ये पूरा फेज हमारा इस एक्सप्रेशन का ये फाई 1 मान लेता हूँ। फेज मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल साइन या कॉस का वो फेज है, आर्गुमेंट ऑफ साइन और कॉस। तो अगर इसमें डिफरेंस करोगे तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये 100 t प्लस एक्स बाई 50 प्लस पाई बाई 2 में माइनस कर दो ये वाला एंगल 100 t। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ओरली भी कर सकते हैं एग्जाम में, 50 - 0.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या आता है सॉल्व करने के बाद, 100 t ने 100 t को 50 इसको ख़त्म कर दिया, यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0.5। पाई बाई 2 क्या होता है, 1.57 माइनस 0.5 जीरो, तो इसका मतलब 1.07, दैट इज इतना रेडियन डेल्टा फाई फेज डिफरेंस होगा, 1.07, दैट इज ए ऑप्शन सही है। इस तरह से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं।